सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। सबसे पहले हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में जानेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज़ में देखा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ मीन्स ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि कोई भी सॉल्यूशन हमारे पास है वो इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा कि सॉल्यूट उसमें कैसा है, वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि सॉल्यूट उसमें कितना है। मतलब यहाँ पर जो है सब कुछ डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, ना कि उसके नेचर के ऊपर। सो तीन हमने पीछे पढ़े थे जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थी, तीन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पीछे पढ़ चुके हैं। सो लास्ट हमारे पास बच गई थी यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो ये ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है क्यों कंसीडर किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ऑस्मोटिक प्रेशर पर आते हैं। सो व्हाट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर? सो यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन देख पा रहे हो। द एक्सेस प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट इनटू इट थ्रू अ सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, इसके आगे हम लिखेंगे इज कॉल्ड या इज नाउन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब इसको समझते हैं कि यहाँ पर इसका मतलब क्या है। ये तो हम डेफिनेशन तो हमने देख ली। सो ऑस्मोटिक प्रेशर को जानने से पहले हमें थोड़ा बहुत ऑस्मोसिस के बारे में जाना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस मीन्स, मान लीजिए हमारे पास इस तरह से एक कंटेनर है, उसके बीच में हमने एक सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन रखी हुई है। नाउ ध्यान से याद रखिएगा, ये बीच में जो हमने क्या रखी है, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, और हमने यहाँ पर दो सॉल्यूशन इस तरह से लिए, इस तरह से हमने दो सॉल्यूशन लिए। ये सॉल्यूशन ए है, ये सॉल्यूशन बी है, ये सॉल्यूशन ए है और सेकंड वाला सॉल्यूशन हमारे पास सॉल्यूशन बी है। ना ऑस्मोसिस में क्या होता है, अगर हमारे पास दो सॉल्यूशन हो ए और बी, तो ऑस्मोसिस में हमने पढ़ा था कि ऑस्मोसिस में जो है ओनली सॉल्वेंट मूव करता है, क्योंकि जो ये मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर, ये सॉल्यूट को मूव करने नहीं देती। इस मेम्ब्रेन के थ्रू, मतलब ये जो बीच में हमारे पास सेमी परमीएबल जो मेम्ब्रेन है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा सॉल्वेंट को मूव करने देती है। ना ये बात अब उठती है कि सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ मूव करेगा, ए से बी जाएगा या बी से ए जाएगा? तो हमने देखा कि जो ऑस्मोसिस होता है उसमें सॉल्वेंट जाता है जहाँ पर हमारे पास हाई कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ पर हमारे पास लो कॉन्सेंट्रेशन होती है सॉल्यूट की, वहाँ से जाता है हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर। मतलब जहाँ पर सॉल्यूट कम मात्रा में होगा वहाँ से सॉल्यूट जाएगा, सॉरी वहाँ से सॉल्वेंट जाएगा। कहाँ जाएगा? जहाँ पर हमारे पास सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट हो जो है हमारे पास जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ जाएगा सॉल्वेंट। तो यहाँ पर आपको, आप देख रहे हो जो ये हमारे पास पहले वाला सॉल्यूशन ए है, ये दूसरे वाला सॉल्यूशन बी है। तो हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट वाला सॉल्यूशन हमारे पास है सॉल्यूशन ए, तो यहाँ पर हमारे पास जो है सॉल्यूट काफ़ी ज़्यादा है, जबकि बी में हम देख रहे हैं कि जो ये पार्टिकल हमारे पास बहुत कम है। मतलब यहाँ पर बी में हमारे पास सॉल्यूट काफ़ी कम है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो मेम्ब्रेन है, अब यहाँ पर जो है पैसेज होगा सॉल्वेंट का, मतलब सॉल्वेंट एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ जाएगा, सॉल्वेंट जो है बी से ए की ओर जाएगा, क्योंकि बी में जो है सॉल्यूट कम है। और हमें पता है कि ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट मूव करता है जहाँ पर सॉल्यूट कम होगा वहाँ से, जहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा होगा वहाँ को जाएगा। तो यहाँ से सॉल्वेंट जाएगा यहाँ से यहाँ, इससे क्या हो जाएगा, ये वाला सॉल्यूशन जो है बढ़ जाएगा और ये वाला सॉल्यूशन जो है घट जाएगा। सो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस हमारे पास है यहाँ पर, तो इसको हम कहते थे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मीन्स मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, कहाँ से कहाँ, जहाँ पर हमारे पास कम सॉल्यूट होगा वहाँ से सॉल्वेंट जाएगा जहाँ पर हमारे पास ज़्यादा सॉल्यूट होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिंपल ऑस्मोसिस। इसको ऑस्मोसिस की प्रोसेस आपको पता लग गई। नाउ व्हाट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर? अब ऑस्मोटिक प्रेशर हम किसको कहते हैं? नाउ अब हमें पता है कि अगर सिंपली अगर हम देखें सिंपली, तो अगर, तो अगर हम कोई कंडीशन नहीं रखते तब तो हमारे पास सिंपली होगा ऑस्मोसिस, ठीक है। अगर मान लीजिए अब हम पता है कि ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होगा, सॉल्वेंट मूव करेगा बी से ए की ओर, ठीक है। नाउ एक ऐसा प्रेशर, अगर हम ए के ऊपर कोई ऐसा प्रेशर अप्लाई करें, ए के ऊपर हम ऐसा प्रेशर अप्लाई करें जिसकी वजह से बी से सॉल्वेंट ए की ओर आना कम हो जाए, तो उस प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब एक ऐसा प्रेशर जो यहाँ पर ऑस्मोसिस की इस प्रोसेस के रिवर्स में हो, मतलब वो वाला प्रेशर जो हमें चाहिए एक नॉर्मल ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए, उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ जितने भी हमारे पास सॉल्यूशन होता है उनके हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर अलग अलग होते हैं। नाउ एक बार मैं फिर से बता दूँ आपको, वो वाला प्रेशर जो हमें चाहिए एक सॉल्यूशन के अंदर, अगर हमारे पास दो सॉल्यूशन दिए हैं, ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा,
वो वाला प्रेशर जो हमें चाहिए सॉल्वेंट की मूवमेंट को रोकने के लिए। मतलब ऑस्मोसिस तो हो रहा है, इस ऑस्मोसिस की प्रोसेस को अगर मुझे रोकना है तो कितना प्रेशर जो है अप्लाई करना पड़ेगा, उसको क्या कहते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। सो जैसा कि मैंने बताया कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है अलग अलग होता है अलग अलग सॉल्यूशंस के लिए। सो ये आपको पता लग गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। सो अब इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। द एक्सेस प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन, मतलब वो वाला प्रेशर जो हम एक सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई करते हैं टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट को रोकने के लिए, मतलब हमने ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकना है। सो ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए एक सॉल्यूशन को कितने प्रेशर की जरूरत होती है, उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, नाउ इट इज़ जनरली डिनोटेड बाय पाई। तो यहाँ पर मैंने सिंबल इसको आपने ऐसे करना है, इट इज़ डिनोटेड बाय पाई। ठीक है, इस तरह से आपने पाई को लिखना है। नाउ नेक्स्ट देखिए, इट इज़ फाउंड अ डल्यूट। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर आप हेडिंग दे दीजिए, यहाँ पर आपको लिखना है ऑस्मोटिक प्रेशर आ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस तरह से यहाँ पर आपने हेडिंग दे देनी है। ठीक है, सो अब इसमें हम देखते हैं, इट इज़ फाउंड दैट अ डाइल्यूट और आइडल सॉल्यूशन बिहेव लाइक एन आइडल गैस एंड द डिफरेंट गैस लॉज आर एप्लीकेबल टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, द ऑस्मोटिक प्रेशर इज गिवन एज, जैसा कि हमने देखा ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे क्या होता है, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। ठीक है, पाई यहाँ पर क्या है हमारे पास, ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है, इसके ऊपर आप इसको लिख लीजिए, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। ठीक है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, मतलब पाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन के। ठीक है, नाउ दूसरी, ये तो हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकंड इक्वेशन, नाउ हम इसके नीचे हम लिखेंगे पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी के हम नीचे लिखेंगे, वी नो दैट पाई इज इक्वल टू सी आर टी। नाउ सी यहाँ पर क्या है हमारे पास, सी यहाँ पर है मोलर कॉन्सेंट्रेशन, आर हमारे पास है गैस कॉन्स्टेंट और टी हमारे पास है टेम्परेचर। ओके, सो नेक्स्ट हम आते हैं वेयर सी इज द मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन है ये वाला सी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, फॉर अ सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर बोथ आर एंड टी एंड कॉन्स्टेंट। अगर मान लीजिए हमारे पास एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया हुआ है तो उस केस में क्या होगा, टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट होगा, मतलब आर तो पहले से कॉन्स्टेंट है, ये तो पहले से कॉन्स्टेंट है। अगर हमारे पास एक दिया हुआ टेम्परेचर है, मतलब फिक्स टेम्परेचर अगर हमारे पास दिया है, तो इस केस में जो है हमारे पास ये टी भी जो है कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बची है हमारे पास, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसके नीचे हम लिखेंगे आर एंड टी आर कॉन्स्टेंट, इसके नीचे हम लिखेंगे पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। ठीक है, ये सिंपल सीधे भी आप लिख सकते हो, जो मैंने पहले कहा था आपको, सीधे आप ये भी लिख सकते हो वी न्यू दैट पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, बस इतना भी कर सकते हो। ठीक है, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी यहाँ पर आपको इस तरह से लगाना है, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। ठीक है, तो यहाँ से इस इक्वेशन से आपको क्या पता लग रहा है, पाई का मतलब क्या है हमारे पास, पाई का मतलब हमारे पास यहाँ पर है ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, इस इक्वेशन से हमें क्या पता लगता है, इस इक्वेशन से हमें पता लग रहा है ये सी मीन्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन, जैसे जैसे हमारे पास मोलर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ पर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा है कि जो हमारे पास कंपाउंड है वो किस नेचर का है, उसका नेचर कैसा है। ठीक है, यहाँ पर डिपेंड इस चीज़ के ऊपर कर रहा है कि उसकी मात्रा कितनी, मतलब उसका अमाउंट कितना। यहाँ देखिए पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, मतलब जब ये अमाउंट बढ़ेगा तब ये पाई भी बढ़ेगा, अमाउंट घटेगा तब ये पाई भी घटेगा। ठीक है, नेचर के ऊपर कहीं भी डिपेंड नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है, क्योंकि ये कंप्लीटली डिपेंड करता है मटेरियल के नंबर के ऊपर, ना कि उसके नेचर के ऊपर। नेक्स्ट हम देखते हैं, सिंस ऑस्मोटिक प्रेशर, लास्ट में हम ये लाइन लिखेंगे, सिंस ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड ऑन द मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, देयरफॉर इट इज़ अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि जो है ये टोटली डिपेंड करती है मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, इसीलिए इसको जो है हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है कंसिडर करते हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।